तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं दोस्तों टार्प कैंपिंग, और कुकिंग होगी बुशक्राफ्ट स्टाइल में। तो पूरी वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। आशीष भाई, ये सब उखाड़ ले थोड़ा सा ना, यही चल रहा है। फेंकना मत इधर उधर ना, एक जगह इकट्ठा कर लो, उसके बाद एक साइड से रख देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसा कि हम साफ कर रहे थे और ये हमारी जगह पूरी लेवल हो चुकी है। सर आइए। बढ़िया हो गया यार आशीष, मस्त हो गया। हाँ यार, अब अच्छा लग रहा है। अपनी घास हमने सब छील दी, इसे ना थोड़ा सा पैरों से दबा के, पैरों से दबा लो और तक बढ़िया हो जाएगा। हाँ अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम बारिश साफ। अपना फायर चूल्हा किधर बनेगा? हाँ देखो, हाँ यही बना लो, तैयार हो गई। मिट्टी निकालना इसमें से, जरा थोड़ी सी अलग करो, ये बात चेक कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने करीब एक उंगली की गहराई का, एक इंची का मतलब, एक इंची का है ना। और अब इस गड्ढे में दोस्तों जलेगी आग, और इसके ऊपर आ जाती है हमारी ये ग्रिल। ये देखिए इस तरह से, और इस पर जो भी खाना बनेगा वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस पर क्या बनेगा। तो इस तरह का कुछ ये सेटअप हमारा हो चुका है, रेडी हो चुका है। सही है आशीष भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने अभी नई एक फायर किट बनाई है और इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। और यहाँ पे देखिए ढक्कन पे भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। तो ये है अपनी फायर किट, चलिए आग जलाना शुरू करते हैं। ये हैं दोस्तों कपूर की गोलियां और ये है दोस्तों पट्टी जो कि मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है। मटेरियल रेडी हो चुका है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हाँ थोड़ा नमक डाल, काला नमक, ये अपना काला नमक। तो चक्के देखें आशीष भाई। चाहिए बढ़िया, इसमें हरी मिर्च थी ना, बढ़िया। टमाटर जैसे ही मुंह में जाता है ना, पच्चीस बोल बड़ा सही टेस्ट आता है। और होता क्या, पनीर कितना खाओगे, कम से कम आधा किलो होता, आधा एक किलो बहुत हो जाता, आधा किलो मजा आ जाता, मजा तो आ जाता भाई। क्यों आशीष? हाँ ये यार जैसे ये छिल गया ठीक, ये ऐसे ही खाना है क्या? हाँ ऐसे ही खाना है यार, हमने यहाँ से पहले कभी खाया नहीं है यार। बचपन तो बहुत खाया, सही में, और क्या यार, है तो बना हुआ यार, बड़ा सही लग रहा है यार, और क्या है, टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा स्वाद लगता है इसका। हाँ जी टूटा हुआ देखो, ये हम ना पहली बार खा रहे हैं पता है, और आपको पता है इसकी एक खास बात और है। क्या? चार दिन खा लो भूंजा हुआ, चार दिन भूंजा हुआ खा लो, हाँ पेट में बिल्कुल गैस नहीं रहेगी। हाँ नहीं लहसुन फायदा तो करता है, हाँ। मालूम है, सही है यार, बढ़िया चीज लग रही है यार ये तो
और चिल भी बड़े मजे दे रहा है हाँ। ना महीने में सॉस खत्म हो गई यार अपनी, और डाल लो बची है ना, अब रहने है तो उसमें चले आओ चले आओ चलेंगे। ये नाइट स्टे करोगे तो बताओ, नाइट नहीं करेंगे भाई साहब, नाइट कर भी मत लेना यहाँ पे, चिली भी है पास में क्या कर रहे ऐसी तैसी हो जाए पता चले रात में दोनों गायब पता चले तो ये रेडी हो। सुबह को मम्मी फोन कर रही है, बेटा कहाँ हो, बेटा हुआ तो फोन उठा। सही है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा मैंने फायर पिट बनाया, और फायर पिट में ही हमने आग जला के अपना खाना वगैरह बनाया। तो फायर पिट को हमेशा बुझा के जाना चाहिए, और पूरी तरह से ये बुझ चुका है बढ़िया करके एकदम। अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो ये है कि जो मिट्टी हमने खोदी थी हम उसी मिट्टी को वापस से इसमें डाल देंगे, ताकि आग वगैरह लगने का कोई खतरा ना रहे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कैंपिंग के दौरान, ये ध्यान रखनी चाहिए। डन तो इस वीडियो का यहीं पे अंत करूँगा दोस्तों, छोटी सी एक वीडियो थी, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।